हेलो एवरीवन आपका स्वागत है हमारे चैनल पे वेलकम बैक टू आवर चैनल सो आज हम लोग करने वाले टेंथ स्टैंडर्ड के यूनिट वन इंग्लिश के यूनिट वन के ऊपर जो इतने भी चैप्टर्स हैं उसके ऊपर बेस्ड एक ग्रामर शीट और मैं आपको उनके आंसर्स भी बताऊंगा साथ ही साथ हम लोग ये सब डिस्कस भी करेंगे और ये बहुत ही आपके लिए अच्छा होने वाला है क्योंकि ये शीट में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंशन किए जो आपको पूछे जाएंगे आपके यूनिट टेस्ट में या फिर बोर्ड्स में या फिर आपके सेमिस्टर्स में आपको ये uh, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सो यूनिट वन के ऊपर बेस्ड जो भी चैप्टर्स हैं उनमें से सभी ग्रामर क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं मैंने आपको यहाँ पर मैंशन किए और दिस विल भी ऑल्सो गुड प्रैक्टिस फॉर यू सो लेट्स डिस्कस टूडे दिस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे इस तरह के न्यू न्यू ग्रामर शीट्स और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहता रहे सो इसी तरह की न्यू न्यू और भी शीट्स हम आपके लिए लिखते आएंगे सो so, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो so, चलिए शुरू करते सो so, आज हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट वाले ग्रामर की क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, so, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते पहले क्वेश्चन के साथ दैट इज आई फॉलोड कैजअली रिडाइट द सेंटेंस यूजिंग एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंडरलाइन वर्ड है Casually जो कि यहाँ पर एक एडवर्ब है क्योंकि सबको पता है लास्ट में एल वाई है अब हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है री राइट sentence with विद द form फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड सो कैजली का एडजेक्टिव फॉर्म है कैजअल अब ये जो नाउन फॉम एजेक्टिव फॉर्म और एडवर्ड फॉर्म और वर्ब फॉर्म इन सब के बारे में आपको एक डिटेल में मैं अभी आज ही की वीडियो में बताने वाला हूँ इसके ऊपर बेस्ड एक मैंने क्वेश्चन भी बनाया है सो तो आप उसके लिए आगे इंतज़ार कीजिए अभी के लिए इसके लिए आंसर होगा आई फॉलोड इन अ कैजुलल मैनर अब आपको सोच रहे होंगे कि कैजुअली का तो एक्जेक्टिव फॉर्म कैजूअल होता है तो आपने ऐसा क्यों लिखा कि कैजुअल मैनर आई फॉलोड कैजुअल आप ऐसा लिखोगे तो ये

सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यू लुक अ बिट ऑफ अ रेस्लर योर सेल्फ आई सेड री राइट इन इन डायरेक्ट स्पीच तो अभी हमें इनडायरेक्ट स्पीच में इसे लिखना है हमने इनडायरेक्ट स्पीच में मेरे चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो भी है अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है ज़रूर देखिए या फिर आपको हमारे चैनल पे इंग्लिश ग्रामर की एक प्ले लिस्ट है आप वहाँ से भी देख सकते हैं सो so, प्लीज़ वो ज़रूर देखेगा क्योंकि उस पर मैंने बहुत डिटेल में समझाया है सो यू रियल इन इनडायरेक्ट स्पीच दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर वन पॉइंट टू चैप्टर सो यू लुक अ बीट ऑफ रेस्लर योर सेल्फ आई सेट अब इसे ऐसे लिखोगे आई टोल्ड हिम दैट ही लुक अ बीट ऑफ अ रेस्लर हिम सेल्फ यू सॉरी योर सेल्फ विल बिकम हिम सेल्फ यू बिकम हिम एंड हम लोग का जो आय है वो आई ही रहेगा यहाँ पर टेंस पास टेंस में कन्वर्ट होता है जब प्रेजेंट टेंस में हमें सेंटेंस दिया जाता है तब सो आई होप डैट यू अंडरस्टुंड इसका आंसर कैसे आया वॉट इज द अगेन आई एम रिपीटिंग आई टोल्ड सॉरी आई टोल्ड हिम दैट ही लुकड बिट ऑफ हिमसेल्फ दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और राइट नेक्स्ट थर्ड वन आप डिस्कस करते इफ आई टुक द मनी आई वुड कैच दिन थर्टी एक्सप्रेस टू लखनऊ एनालाइज द क्लास मैंने क्लासेस के बारे में भी बहुत दो वीडियोज़ बनाए हैं एक है उनके मेन सबॉर्डीनरी क्लासेस को डिटेल में समझाया एक वीडियो में और एक वीडियो में मैंने उन सबॉर्डरी क्लासेज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स नाउन क्लास एडवर्क क्लास और एबजेक्टिव क्लास के बारे में बताया और मैंने ये भी बताया कि उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है क्या ट्रिक है सो so, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अब भी जाके हम लोग के चैनल पर जरूर देखिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लासेस बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है और सब लोग डरते भी है उससे सो डोंट वरी मैंने उसके लिए आपको ईजी बनाया सो so, वीडियो आप जरूर देखेगा सो so, अभी ये वाले क्वेश्चन को तो हम लोग डिस्कस करते जिनको भी आंसर पता है चलो चलो फटाफट सॉल्व करो और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर चाहिए आई एम गिविंग यू वन टू फाइव सेकेंड्स ऑल राइट सो नाउ आई एम टेलिंग यू द आंसर आंसर इज आई हियर एनालाइज द क्लॉज इज द क्वेश्चन ऑल राइट सो हियर द आंसर वुड बी आई वुड कैच द टेन थर्टी एक्सप्रेस टू लखनऊ मेन क्लॉस एंड इफ आई टुक द मनी इज सबॉर्डिनेट एड वर्क ऑफ कंडीशन राइट नो लेट्स डू द फोर्थ वन आई मेड टी इन द मॉर्निंग फ्रेम अ डब्ल्यू एच क्वेश्चन ऑफ द अंडरलाइन वर्ल्ड ओके सो आई मेड टी इन द मॉर्निंग वैसे इन द मॉर्निंग हमें आंसर मिले ऐसा क्या क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग वेन डिड यू मेक टी दिस इज द आंसर क्यों क्योंकि कब In the morning is indicating a time, so we will use when because when also indicates a time. So when did you make tea? सबको लगता है कि डब्ल्यू एच questions easy है easy है It's very important to remember हम लोग मॉडल ऑगजिलरी वर्ब यूज ही नहीं करते जैसे कि डिड डू ताकि हम लोग tense टेंस हम लोग बराबर रखें आई मेड टी इन द मॉर्निंग इट्स पास टेंस why you need टू यूज डिड वेन डिड यू मेक टी ऐसे नहीं मतलब को वेन यू मेक टी That's wrong. You need to use a modal auxiliary did do according to the tense of the sentence. ये याद रखना. Fifth one. It's easy to rob a greedy man. Rewrite using a gerund. So अभी gerund क्या होते हैं? ऐसे verbs जो ing form में होते हैं और वो noun का काम कर रहे हैं. In, in spite of being a verb. तो so, यहाँ पर आपको सा, 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 समझ में नहीं आ रहोगा कि कौन से verb को यहाँ पर देख सकते हैं आप. Rob is the verb to rob देख सकते हैं ये infinitive है. टू रॉम बट अब इसे हम जीरण में कन्वर्ट करेंगे तो रॉबिंग अब रॉबिंग को हम लोग को इस तरह सेंटेंस में लिखना है कि वो नाउन लगना चाहिए तो इसका आंसर आप सोचिए मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ इसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ तो इसका आंसर होगा मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए सॉरी कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर है रॉबिंग अ ग्रीडी मैन इज इजी और राइट तो इसका आंसर है रॉबिंग अ ग्रीडी मैन इज इजी रॉबिंग को हमने इसमें नाउन की तरह यूज किया है Robbing a greedy man is easy. here robbing is performed as a noun. ab next dekhte हैं sixth wala It was raining quite heavily. Identify the word class of the underlined word. Quite को underline किया. अब word class क्या होता है? सब की दिमाग में घंटी बननी चाहिए हमेशा कि word class मतलब what 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 पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई वर्ड क्लास बोलते हैं so, सो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए आइडेंटिफाई दर्ड क्लास दैट मीन्स दैट्स उस वर्ल्ड का क्लास दैट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑल द वर्ड्स आर डिडेड इंटू पार्ट ऑफ स्पीच देर फोर यू नीड टू रिमेंबर दैट वर्ल्ड क्लास इज पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे क्वेश्चन आएंगे ट्रिकी जो वेरी ईजी है पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सबको आता है बट उनके क्वेश्चन में ही ऐसे ट्रिकी होंगे कि आपको समझ में ही नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है

एडवर्ब इसीलिए है क्योंकि ये दोनों ही हमें रेनिंग जो कि नाउन है उसके बारे में बता रहे हैं जब एक वर्ड तभी एडजेक्टिव होगा जब वो किसी नाउन के बारे में हमें बता रहे हो यहाँ पर तो ऐसा कोई नाउन ही नहीं है यहाँ पर इस सेंटेंस में ऐसा नाउन नहीं है कोई नाउन ही नहीं है एक्चुअली तो कि वो क्वाइट उसके बारे में हमें बताए इसलिए यहाँ पर रेनिंग हाउ इट वॉज रेनिंग क्वाइट so quite is here adverb. So confuse, madhona. Yaad adverb tells more about uh, verb, and there can be two adverbs. And what uh, adjective tells uh, uh, more about noun. Seventh question. Let's do. I should go back to Anil. Identify the model auxiliary and state its function. Very important. Model auxiliaries are very important topic. So what is the question again? I am repeating.

समझ में आ रहा है तो हियर इट इज अ फंक्शन ऑफ सजेशन सजेशन अब नेक्स्ट वन ही न्यू राइट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वेरी इजी चलो सब लोग अपने आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देते जाओ आई वांट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन ही न्यू वेरी इजी वन दिस इज सो आंसर फॉर दिस इज ही हैज नोन याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट हैज एंड हैव आएगा प्लस वट वी से प्लस दर्ड फॉर्म ऑफ दर्ड दोलते ना जैसे कि राइट का रोट होता है पास्ट टेंस और थर्ड फॉर्म होता है past, past उसका होता है रिटर्न वैसे ही नो का पास्ट टेंस होता है न्यू और थर्ड फॉर्म होता है नोन दैट्स पार्ट पासबल्ड सो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल होता है past participle so therefore he has known all right नेक्स्ट वन नाइन्थ वन आर दे अप्रेड ऑफ हर मेक असर्टिव ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि आपको सेंटेंस चेंज करना होता है सो so, ये अभी हमने यहाँ से जोन ऑफ आर के क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए हमने अभी तक देखे वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ऑफ विच लेसन 1.2 पॉइंट टू द थी स्टोरी नाउ वी आर डूइंग जोन ऑफ आर सो आई शुड गो बैक टू सॉरी

दैट वेदर दे आर अप्रेड ऑफ हर क्या वो उससे डरे हुए हैं इस तरह इसका असर्टिव होगा तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पे ध्यान दीजिए वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो इन डिटेल सो प्लीज बी लिटिल केयरफुल विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस नेक्स्ट इट इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी मेक एक्सक्लोमेटरी अगेन आई एम गेविंग टाइम आस्क योर माइंड एंड यू गेट अ आंसर फॉर योर देन आई विल टेल द करेक्ट आंसर सो यू कैन चेक इट सो आंसर फॉर दिस विल बी व्हाट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी इट इज़ एक्सक्लोमेटरी मार्क बस व्हाट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी इट इज़ देखो एक्सक्लेमेटरी करने के टाइम ये बात याद रखना इट इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी बराबर तो यहाँ पर uh, हमें अमाउंट ऑफ मनी यू विल यूज़ वॉट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी वॉट और हाउ मेनली यूज करते सो so, अब देखना है आपको कि हर एक सेंटेंस में कौन सा वर्ड अच्छे से बैठ है वॉट बैटर है कि हाउ बैटर है बराबर बट हमेशा एक्सप्लेमेटरी करते टाइम याद रखना असर्टिव तो एक्सप्लेमेटरी करते टाइम वो क्वेश्चन ना बन जाए इंट्रोगेटिव ना लगे याद रखना नेक्स्ट वन इलेवेंथ वन आई अरेंज इट आई हैव अरेंज इट ऑल रीराइट यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ कॉन्जेक्चुअर ना इट्स अ डिफिकल्ट वन फॉर यू ऑल बट थिंक वॉट इज द मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ कॉन्जेक्चुअर यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस में कौन सा है हैव है what is the model auxiliary of conjecture it is the must abhiamku have to you have to also add the model auxiliary of conjecture that's must so i must have arranged it all is the answer Sir. i have arranged it all i must have arranged it all both should mean same these type of questions are often asked twelfth one the steward retreats dash haste fill in an appropriate preposition again you all think it's a very simple question this one is very simple so the steward retreats dash haste so answer for this is the steward retreats in haste very simple the answer is in in is also preposition remember it now let's do next one 13th one robert do you take her crazy idea of going to the dolphin seriously रीराइट इन इन डायरेक्ट स्पीच दिस इज अ टफ वन थोड़ा थोड़ा सोचो एंड आई वॉन्ट द आंसर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स गोट इट अभी यहाँ पर जब ऐसा आता है कि रॉबर्ट और फिर ऐसा डबल डॉट मतलब इसका तो मतलब आपको ये समझ लेना कि रॉबर्ट ने बोला बट अभी यहाँ पर क्वेश्चन मतलब ही आस्ट इसका आंसर ऐसा होगा रॉबर्ट आस्ट बोलेंगे इफ यू टुक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉफिन सीरियसली समझ में आ रहा है कैसे अब अभी पर बोलेंगे तो यहाँ पर सेंटेंस में है ही नहीं ये आप नहीं लिखोगे तब भी भी चलेगा ये तो मैंने उस चैप्टर से लिया इसलिए मैं आपको बताया बट अगर आप यहाँ पर बोलेंगे नहीं दिया है तो आप उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज़ करेंगे रॉबर्ट आस्ट हर या सॉरी रॉबर्ट आस्ट हिम ऐसे आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे सो रॉबर्ट आस्ट हिम इफ ही टुक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉपिक सीरियसली ये होगा इसका आंसर 14th one you only have to give the order pick out the infinitive very simple i want the answer in the description box mm. infinitive means to plus verb so here the infinitive is to give wherever you get a uh, question like that pick out the infinitive directly see where is the to and uh, it, it there will be a verb near it that is the infinitive so you will write infinitive to give

so I am repeating the question, the, we are doing the 15th one question, and let's I I I will tell you the answer of this question is, you and Polly will live to see the day main class यहाँ पर main class पूछा नहीं लेकिन फिर भी आप लिख दो तो ज़्यादा अच्छा marks कट भी सकते, when there will not be a single soldier on the soil of France subordinate adjective clause समझ में आ रहा है अगेन आई एम टेलिंग यू यू एंड पॉली विल में वेन देयर विल नॉट बी इंग्लिश सोल्जर सिंगल इंग्लिश सोल्जर ऑन द सॉइल ऑफ फ्रांस ओके दिस इज सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉस बरबर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 16th, oysters take in a grain of sand. Now frame a WH question again and we, have, we start with the questions of your 1.6 Alchemy of Nature. So, oysters take in a grain of sand. Frame a WH question. Everyone, very simple question. But remember, model auxiliary should be mentioned. If you don't mention, that means your answer, your question is wrong because every question should contain a model auxiliary. So, हियर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी लेसन एवरी वन प्रोपरली आंसर इज वॉट डूस टेक इन बिकॉज दिस इज इन प्रेजेंट डेंस यू हैन डे ये थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि यहाँ पर आप अपोजिट यूज नहीं कर सकते थे बट

दूसरे भी है बट यहाँ पर सबसे ज्यादा कैन सुटेबल है और क्वेश्चन सो रेनबो कैन कलर है ना बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी नाइनटीन क्वेश्चन इज मेक वर्ड रजिस्टर फॉर वर्ड नेचर अब वर्ड रजिस्टर का मतलब क्या होता है यू नीड टू गिव द वर्ड्स रिलेटेड टू नेचर अब कैसे लिखना है अब ऐसे नेचर लिखोगी फिर एक हाइफन डालोगी और सारे वर्ड्स को कॉमा कॉमा करके लिखोगे तो मैं आपको कुछ जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ नेचर के लिए आप लिख सकते हो जैसे कि मैनी आदर आ, आ, ओशन वाटर रॉक बीच फ्लावर विंड मो ज्यादा से ज़्यादा पाँच लिखोगे काफ़ी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग ट्वेंटी एथ ये सबको आता आ, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है सबको नाउन फॉर्म एडजेक्टिव फॉर्म वर्ब फॉर्म एडवर्ब फॉर्म नाउन फॉर्म्स आइडेंटिफाई करने की ट्रिक मैं बता हूँ यहाँ पर ये जो वर्ड है उसके साथ ध लगाओ मतलब अपने इमेजिनेशन के लिए मतलब यंग तो आप अपने माइंड में सोचो यंग तो ध यूथ आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि ये वर्ड के साथ आप ध लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली नाउन फॉर्म मिलेगा जब आप इसके साथ टू भी लगाओगे तो आपको एडजेक्टिव फॉर्म मिलेगा मान लो यूथ है आप, आपको वर्ड दिया उसका एडजेक्टिव फॉर्म ढूंढने को बोला है तो टू बी यंग सो हियर यंग इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ यूथ सो ऐसे आपको टू बी लेकिन टू बी आप लिखोगे नहीं आंसर में यू हैव टू जस्ट राइट द वर्ड बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग फॉर यू टू गेट द आंसर यू विल एड इन योर माइंड रिमेंबर दिस पॉइंट और एडवर्ब ad के लिए क्या करना है एडजेक्टिव जो भी आता है उसके साथ एल वाई लगा जैसे मोमेंट जैसे कि ये है ना हमारा uh, क्या बोलते हैं वट वी से सक्सेस सो सक्सेस सक्सेसफुल्ली या फिर सक्सेसफुल तो so ये सब एडवर्ब फॉर्म्स है वर्ब फॉर्म्स के लिए आप लगाने का टू टू मान लो जैसे कि यहाँ पर है हार्म 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 इज ऑल्सो नाउन फॉर्म नाउन फॉर्म ऑफ हार्म सॉरी नाउन फॉर्म ऑफ हार्म इज हार्म हार्म इज़ वर्ब ऑल्सो एंड नाउन फॉर्म समझ में आ रहा है आई होब अंडरस्टैंडिंग सो फर्स्ट क्वेश्चन है गिव नाउन फॉर्म्स ऑफ यंग का नाउन फॉर्म सब लोग सोचो सोचो मैंने अभी अभी भी, भी बताया वैसे भी यूथ है देन कम्स हार्म हार्म का नाउन फॉर्म है हार्म और सेव का नाउन फॉर्म है सेफ्टी चेंज का है चेंज uh, का है change एनी टू जस्ट रिकन्सिडर दैट वन आई विल टेल यू लेटर एडजटिव फॉर्म्स मोमेंट मोमेंट का होगा टू बी मोमेंटरी दैन ट्रस्ट टू बी ट्रस्ट वर्दी ओके टू बी फेशियल फेस का ब्राइटन टू बी ब्राइट पैशन टू बी पैशनेट अब टू भी नहीं लिखोगे आंसर में सिर्फ लिखोगे मोमेंट मोमेंटरी ट्रस्ट वर्दी फेशियल ब्राइट पैशनेट ऐसे आंसर लिखोगे बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अपने माइंड में टू भी बोलना है आंसर मिलने के लिए नेक्स्ट इज गिव वर्क फॉर्म्स एबल सो आप अपने माइंड में बोलोगे टू एनेबल इसका वर्क फॉर्म पुअर का टू एम्पावरिश यह याद रख लो एम्पावरिश है पुअर का वर्क फॉर्म थिंक का थिंक का क्या होगा सोचो सोचो टू लिसन केयरफुली थिंक का वर्क फॉर्म थिंग इज अ वर्ब ओनली और राइट हेस्ट इसका वर्क फॉर्म होगा हेस्ट होस्ट का वर्क फॉर्म हेस्ट ही है एंड स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथन टू स्ट्रेंथन इसका वर्क फॉर्म गिव एयर वर्क फॉर्म्स बिलीव बिलीवेबली ग्रिमनेस ग्रिमली रेडियंस रेडियंटली सक्सीड सक्सेसफुली और राइट तो एडवर्ब फॉर्म के लिए क्या करना है एडजेक्टिव फॉर्म मिल गया ना तो उसी के साथ एल वाई लगा दो एडवर्ब फॉर्म मिल जाएगा सो विद दिस वी कंप्लीट दिस शीट अ स्मॉल शीट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर ऑफ यूनिट वन टेंथ स्टैंडर्ड इंग्लिश सो नाउ वी फिनिश विथ इट इफ यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू वॉन्ट सच मॉल शीट डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन